अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही थी क्लिफ्टन के इतवार बाज़ार, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। सोचा कि चलें हम जाते हैं, आपको भी विज़िट कराते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आपको भी दिखाते हैं। यहाँ का ये जो ना, सबसे पहले तो पार्किंग एरिया स्टार्ट हुआ, वहाँ पर सारी पार्किंग एरिया था, उधर भी कुछ खाने पीने की जगह थी, और यहाँ पर सारा का सारा इतवार बाज़ार लगा हुआ था। और अब देख सकते हैं यहाँ पर कि बर्तनों से स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा भतीजा मेरे साथ साथ ऐसे कुछ चाहिए था, लिया तो उसने कुछ भी नहीं, लेकिन ये किसकी वजह से हमने सारा इतवार बाज़ार एक्सप्लोर कर लिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बारी आती है यहाँ पर जो है हैंडबैग्स की। यहाँ पे बहुत सारे क्लचेस, कुछ पाउच रखे हुए थे आपके सामने, जैसे कि मैंने इनसे पूछा 50 रुपये का था, बिल्कुल न्यू पीस था ये, और 50 रुपये में कौन सा इतना बुरा है। यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा अगर टाइम हो और आपके पास जो है ना बार्गेनिंग करने का तरीका आपको आता हो, तो फिर आप अच्छी से अच्छी चीज़ कम कीमत में यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैग्स देख सकते हैं, बहुत से कुछ ब्रांड्स के थे बैग, जिन्हें ब्रांड्स का काफ़ी आइडिया हो तो वो यहाँ पे अच्छा एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। जैसे कि इस बैग का वो बता रहे थे 500 बता रहे थे, और अगर आपको पश्तो आती हो जैसे कि मुझे पश्तो आती है, तो मैंने यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें कम भी कराई थी पश्तो बोल के, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी कीमत में मिल जाती हैं। जैसे ये 100 रुपीज़ का बता रहे थे, 100 रुपीज़ में क्या ही बुरा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। इसके अलावा भी बहुत सारे बैग्स थे यहाँ पर लगे हुए थे, और आपको न्यू बड़े बैग्स और हैंड कैरी वाले बैग्स पाउचेस बहुत अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैग्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ वैराइटीज़ यहाँ पे थी, और ये है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी और रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिल जाएगी। बस ये कम करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये 500 का बता रहे थे, अगर मैं फाइनल करती हूँ मुझे 350 तक का मिल जाता, और बिल्कुल न्यू और ये साफ़ सुथरा पीस रखा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉल आ गया था स्कार्फ्स का, स्टॉलर्स का, जो डिफरेंट किस्म के रखे हुए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इनकी डिफरेंट प्राइजेस थी। जितना अच्छा अच्छी चीज़ होगी, जितनी साफ़ सुथरी चीज़ होगी, उतने ही प्राइस वो बता रहे थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये प्राइस पूछा था कि दुपट्टा जो है ये इसके प्राइस क्या होंगे, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया था कि इसके प्राइस जो है ना 3000 के हैं, लेकिन ये अगर मैं कम करने पर आती तो वो मुझे 2000 तक का दे देता, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पूछाया था कि एक आइडिया हो जाए, अगर आप भी यहाँ पर आए तो आपको आइडिया हो। यहाँ पर देखें हैंडमेड कुछ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी। कितने के? ये 450 रुपये का एक 1500 के 4 यहाँ पे वो 400 का एक बता रहे थे, तो अगर कम करने पर कम कर भी देते वो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कारपेट टेबल मैट्स रखे हुए थे, और कुछ कुशंस यहाँ पे भी रखे हुए थे। अच्छा, ये वो बता रहे थे 600 का, क्योंकि ये रैबिट के ही आई थिंक कुछ उससे बना हुआ है, और अगर मैं कम करती तो वो 300 तक का, 350 तो मुझे दे ही देता, लेकिन ये है कि मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बस आप लोगों के लिए पूछवाया था। चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत फ्रेश चीज़ें थी। कुछ फ्रेश चीज़ें थोड़ी सी वो महंगी बताते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे कारपेट पीस आप देख सकते हैं, रक्स रखे, जैसे कि आप यहाँ पे कारपेट पीस देख सकते हैं, हर कारपेट का प्राइस उसके साइज़ के हिसाब से था। जैसे कि ये मुझे 4000 का बता रहे थे, और कुछ जो है ना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव भी थे, कुछ 6000 के, कुछ 7000 के, जितने बड़े साइज़ होंगे, कुछ अफ़गानिस्तान के थे, कुछ टर्की के थे, बाहर के थे। आप जैसे कि इनकी क्वालिटी को देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको फ्रेश भी मिल जाएगा, मतलब कि बिल्कुल न्यू, और कुछ थोड़ा सा यूज़ किया भी आपको मिलेगा, और प्राइजेस आपको ऐसे ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूज यहाँ पर वैराइटी थी चीज़ों की, कितने खूबसूरत खूबसूरत कारपेट पीस यहाँ पे रखे हुए। 4000 अच्छा जी, 1000 में मैट डन होने के बाद यहाँ पे दूसरा स्टॉल हमें नजर आया, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कर्टन से, नेट के, कॉटन के, सिल्क के, और भी बहुत सी यहाँ पे वैराइटीज थी। 100 के दे कर्टन दे, यो सो के दे, 2500 की जोड़ी है भाजी, जैगवार कपड़ा है। तो जी जनाब, 2500 के दो कर्टन यहाँ पे पड़ेंगे, वो जैगवार का कपड़ा था, उसके अलावा नेट का, सिल्क का, जैसे भी कपड़े होंगे उस लिहाज से आपको यहाँ पे कर्टन्स के प्राइस मिलेंगे। वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बस ढूंढ के ही चीज़ आपको अच्छी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप कपड़ों का स्टॉल देख सकते हैं, कपड़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे। मुझे नहीं पता कि मुझे भतीजे को क्या लेना था, समझ तो बच्चों को मुझसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बस घूमा जा रहा था, साथ साथ हम भी एक्सप्लोर कर रहे थे। अच्छा, इन बाज़ारों में आपको पता सारे पठान बैठे हुए, तो यहाँ पर मुझे पश्तो बोलने का बेनिफिट ये होता है, थोड़ी सी बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हर किस्म का ब्रांड, अगर बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो तो आपको पता होगा यहाँ पे हर किस्म के ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं ईजिली, और प्राइस भी आपको वैसे तो बताते हैं कुछ ज़्यादा ही हैं, 800 को भी बता देंगे आपको, 600 के बता देंगे, लेकिन कम ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रैक सूट देख सकते हैं, ट्राउज़र देख सकते हैं, ये 500 600 का था,
उसके अलावा टी शर्ट्स के 500-600 तक के ही प्राइस थे। उमर ये आउटफिट नहीं है आपको, ये ढूंढना होगा आपको। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको कह भी रही थी कि ये भाई यहाँ पे आपको ढूंढ के चीज़ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। इन बाज़ारों में चीज़ ढूंढ के ही मिलती है, जितना आप ढूंढोगे, जितना आप फिरोगे यहाँ पर, अगर अच्छा खासा टाइम है तो फिरना पड़ेगा आपको यहाँ पर, फिर कहीं जाके आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है जिम वाले ट्रैक भी देख सकते हैं, ट्राउजर्स देख सकते हैं, इसके भी डिफरेंट प्राइजेस थे। इसके अलावा यहाँ पे लेडीज़ का भी ह्यूज स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, 500-600-250 तक के भी यहाँ पे अच्छी आपको शर्ट मिल जाती। तो ये है कि मुझे लेना तो नहीं था, लेकिन मैं आप लोग के लिए थोड़ा इस स्टॉल को थोड़ा सा मैंने विज़िट किया था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ट्राइज़ की बारी आती है। यहाँ पे पैक ट्राइज़ जो लोकल ट्राइज़ होते हैं, ये भी 100-200 इससे ज़्यादा महंगे नहीं थे यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टफ़ ट्राइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोरिल्ला रखा हुआ था, 400 इसके प्राइस थे, लेकिन 300 तक आ गया था, तो मुझे लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए प्राइस पूछा लिए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टफ़ ट्राइज़ रखे हैं मैं। अच्छा जी, यहाँ पे स्टफ़ ट्राइज़ के अलावा भी ट्राइज़ की क्वालिटी यहाँ पे बहुत बेस्ट होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, और अक्सर हमारे घर के बच्चे भी आके स्पेशली यहाँ से टॉयज़ लेके जाते हैं। मतलब कि जो हम लोकल टॉयज़ लें वो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ के टॉयज़ अच्छे खासे चल जाते हैं, तो यहाँ की क्वालिटी की ये बात है। इसके अलावा इस तरह के यहाँ पे टॉयज़ रखे हुए थे, आप देख सकते हैं, ये ऐसे स्टॉल्स, ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर बड़ा सा बड़ा बंदा भी, गरीब भी खुश होकर जाता है, अपने मतलब की चीज़ मिली जाती है। तो यहाँ के टॉयज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ट्राइज़ के बाद यहाँ पे शूज़ का स्टॉल आ गया था, यहाँ पे जेंट्स शूज़ रखे हुए थे, बच्चों के शूज़ यहाँ पे थे, कुछ क्रॉक्स थे, कुछ स्लीपर्स थे यहाँ पे, लेडीज़ के भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स थे, फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे हैं। अच्छा जी, मुझे आज तक जो है मीडियम स्मॉल साइज़ बहुत मुश्किल से यहाँ पे अपने स्लीपर्स का मिलता है, कभी भी नहीं मिला। यहाँ पे फ्री साइज़ बड़े साइज़ ही होते हैं, तो मुझे तो कभी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर देखती हूँ तो बहुत ही प्यारे प्यारे रखे हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए पूछवाया था, ये जो है 400 का कह रहा था, तो 400 में अच्छा था, कंफर्टेबल था, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं था, सो मैंने नहीं लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, मैं एक स्टॉल को ही यहाँ पे आपके सामने दिखा रही हूँ। 400 बता रहे थे, और बुक्स में भी कह रहे थे कि हम कम कर देंगे, लेकिन मुझे जो था कि नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप कैप्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कैप्स थी, हर साइज़ की यहाँ पे रखी हुई थी। इसके भी अलग ही प्राइस हैं, फिक्स प्राइस और सेम प्राइस हो, किसी के भी नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे एंटीक ज्वेलरी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोन्स की एंटीक ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई थी, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी क्योंकि एंटीक थी, इसलिए इसके प्राइस थोड़े से हाई थे। मैंने आप लोगों के लिए इसके प्राइस पूछवाए भी थे। जैसे कि हमको बता रहे थे जो कड़ा था ये 1500 का था, और बहुत पुराना जो बता रहे थे वो, तो इस लिहाज से यहाँ पे जो कल्चर वाले जो ज्वेलरी होती है, जब पश्तो पठान कल्चर के इस तरीके के यहाँ पे रखे हुए थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये वाली ज्वेलरी भी यहाँ पे रखी हुई जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, 200-250 के ही उसमें ये दरमियानी सब कुछ आ रहा था। बहुत प्यारी एयररिंग्स थी यहाँ पर, जो आजकल इन भी हैं, चल भी रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज्वेलरी की भी यहाँ पर बहुत ह्यूज यहाँ पर वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर ज्वेलरी की लगी हुई थी। जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैचर्स, पोनी और भी बहुत कुछ, हेयर बैंड, इस तरह के भी आइटम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। बच्चों की चीज़ें भी, बच्चों की गर्ल्स की ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। और ये भी आई थिंक 100 या 50 रुपीज़ इस इतने का था। और यहाँ पे फैंसी ज्वेलरी में जो आजकल बैंगल्स ब्रेसलेट चले हुए हैं, जो अगर हम बाज़ार से लें थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। वैसे प्राइस ज़्यादा बताते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली लेना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो फिर कम कर ही देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे परफ्यूम्स भी थे। अब परफ्यूम्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि लोकल है कैसा है, लेकिन परफ्यूम्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, आप देख सकते हैं। कॉस्मेटिक का भी यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉल था। मैंने कभी यहाँ से कॉस्मेटिक नहीं लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जो है फेक है या ये रियल है, लेकिन जो भी है, लेकिन कॉस्मेटिक यहाँ पर रखा हुआ था बहुत ज़्यादा, कॉपी में भी कॉपी हो, लेकिन ये है कि लोग ले भी रहे थे। कुछ नेल पेंट्स, कुछ आपके सामने और भी बहुत कुछ आइटम्स रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे वुडन डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बहुत सारे ट्रे भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ रेल भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, वॉल हैंगिंग की चीज़ें भी हैं। उसके अलावा अल्लाह मियाँ का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ स्पून्स भी हैं, कुछ मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। ज्वेलरी बॉक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हर किसी के डिफरेंट प्राइस यहाँ पर थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर किस्म की यहाँ पर आपको वैरायटी नज़र आएगी। और उसके अलावा वॉल हैंगिंग का भी यहाँ पर देखो, जो मिरर आजकल के जो एंटिक्स हम देखते हैं, या अगर हम इसको ऑनलाइन मंगवाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें मिलते हैं, तो उसके भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, और बहुत ही प्यारी एंटिक चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये लिटरली आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है, और एंटिक्स की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ब्रास कहते हैं या मेटल कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था क्योंकि आपको पता है जितना भी एंटिक पुराना होगा उतनी ही उसकी जो है ना प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके प्लेट्स भी थी, कुछ डेकोरेशन का सामान था, कुछ इस तरीके की चीज़ें रखी हुई थी और कुछ इनकी बनी हुई ज्वेलरी भी रखी हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये स्टॉल था, यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ें थी और बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बर्नियाँ थी और मैंने ये बर्नी इनसे ख़रीदी भी थी, यहाँ पे बिल्कुल पैक रखी हुई थी। आई थिंक ये न्यू हैं, ये बिल्कुल यूज़ की हुई नहीं है। जैसे कि आप मुझे बताएगा कि मैंने जो है ये 1500 बता रहे थे, मैंने 1100 में कैसा ही ख़रीदा था और इस तरह के मैंने दो खरीदे थे यहाँ से, कोई गिफ्ट भी लिया था। दो के लोगों ने 1100 रुपये देखा ना, ये 1100 का मुझे पड़ा था। यहाँ पे फ्रेम्स बहुत सारी रखी हुई थी और अगर आप घर डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आसानी से अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटनर्स भी रखे हुए थे, हेयर ड्रायर भी थे और हर किसी के डिफरेंट प्राइजेस भी थे। कुछ तो बहुत ज़्यादा हाई भी बताते हैं लेकिन अगर आप लेना चाहो तो वो फिर कम करते भी हैं, लेकिन बाज़ लोग प्राइस पूछ के चले जाते हैं तो इसलिए वो ज़्यादातर हाई ही बताते हैं प्राइस। ये टॉर्च आई थिंक जो है वो 1500 का बता रहे थे, लेकिन अगर मैं लेती तो मुझे वो 1000 तक दे देता, लेकिन मुझे इतना इनका आइडिया नहीं कि मुझे कम से सही पड़ता या ना पड़ता, सो मैंने नहीं लिया। और ये नाइफ़ यहाँ पे वो 1000 की बता रहे थे, जैसे कि ये कोई नाइफ़ थी और ये 1500 की बता रहे थे और फिर ये 1000 में डन की थी, 1000 तक हमें मिल गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैंडल्स भी नज़र आ रही हैं, कुछ बर्नियाँ भी हैं। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं जिसमें जो है ना आपको कैटल्स हैं, कुछ यहाँ पे कैप्स हैं, कुछ यहाँ पे कैमरा लाइट्स भी रखी हुई हैं, कुछ कैमरा स्टैंड्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी रखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि ये सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नज़र आ रहे हैं तो इनके प्राइस भी थोड़े से फिर हाई होंगे, तो ये है कि अगर जो है कम ज़्यादा हो ही जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे तो भाई हर ख़वातीन का दिल पिघल ही जाता है, तो इन जगहों से तो आने को दिल ही नहीं करता। यहाँ पे इतने सारे डेकोरेशंस के आइटम रखे हुए, तो एक से बढ़ के एक था जहाँ पे जो है दिल कर रहा था कि मैं सबको एक्सप्लोर करूँ, सबको मैं कैप्चर करूँ, लेकिन भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त प्यारी प्यारी यहाँ पे छोटे ग्लास रखे हैं, कुछ कैटल्स रखे हैं और इनके प्राइस भी, अब ये मैंने पूछवाया था, मुझे एक बता रहे थे 150 का और 200-300 के मुझे पड़ जाते। उसके अलावा मुझे छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके की बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना दिल करता है बस उनको देखती रहूँ। तो यहाँ पे रिंग वेल भी यहाँ पे रखी हुई थी और भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी और सबके डिफरेंट प्राइस थे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मज़ीद, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछवाया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये, तो मुझे 300 की चार बर्नियाँ बता रहे थे लेकिन उनके ऊपर कोई कैप नहीं था सो मैंने नहीं लिया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ पे मज़ीद के कप भी रखे हुए हैं, कुछ मग्स हैं, कुछ ग्लास हैं, तो इनके आपको पता है ये जो ना लूज़ में कुछ चीज़ें आती हैं तो ये पूरा सेट तो होता ही नहीं 6 ग्लासों का, तो दो कभी दो मिल जाते हैं, कभी 3 मिल जाते हैं, तो इनके फिर अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्क्स का भी आप देख सकते हैं, तो इनके प्राइस थोड़े से भी डिफरेंट ही होते हैं, कभी कम ज़्यादा चीज़ के हिसाब से देते हैं ये। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जो आइसक्रीम कप, कुछ मग्स और डेकोरेशन की चीज़ें, मतलब कि कुछ बर्नियाँ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो घर की डेकोरेशन के लिए काम आती हैं, वो तो बहुत ही प्यारी प्यारी थी। यहाँ पर देखिए कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। अच्छा, स्पेशली इन बर्तनों वाले स्टॉल्स पे आके अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा होता, आपको नहीं भी चाहिए होता, फिर भी कुछ ना कुछ आप लेके ही जाते हैं क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव, इतनी प्यारी लगती हैं। और मेरे साथ भी यही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मज़ीद आपको चीज़ें मिलेंगी कुछ डेकोरेशंस की, ये थोड़े से इनके प्राइस हाई थे क्योंकि ये जो ना सेकंड हैंड नहीं था, तो इसके प्राइस थोड़े से जो है यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे केज रखे हुए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन भी हैं, कुछ मैंने प्राइस पूछवाए भी थे आप लोगों के लिए और ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे प्राइस है, डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आजकल, ये वाला डिज़ाइन बहुत चला हुआ है, बहुत इन है, ये वाज़ बहुत प्यारा है। उसके अलावा यहाँ पे बर्तनों का आइटम शुरू हो गया था, ये बर्तनों को जो चीज़ें आपको पता है यहाँ पे चिमटा रखा हुआ था, उस तरह के पीलर्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। बर्तनों की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं और पता है यहाँ पे रश बहुत होता है, जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे ख़वातीन ही ख़वातीन होती हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्राई पैन कुछ चीज़ें इस तरह की रखी हुई थी, लेकिन ढूंढने से आपको यहाँ पे न्यू चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। आगे वाले 1500 रुपये, मुर्दा वाला 1800, मुर्दा वाला 1200 रुपये। जैसा कि आपके सामने अभी मैंने लाला से पूछवाया तो उन्होंने मुझे दो के प्राइस बताए, एक 1500 बताया और एक 1100 बताया, जो कि मुझे जो है थोड़े से महंगे लगे, लेकिन ये है कि अगर मैं लेने वाली बात करती तो फिर मैं इसे ज़रूर कम करते। तो यहाँ पे मज़ीद आप देख सकते हैं कि मज़ीद बहुत सी चीज़ें रखी हुई, जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतने प्राइस बस हाई बता रहे थे, कुछ ज़्यादा यूज़ किया हुआ था तो उसके प्राइस लिहाज से कम बता रहे थे, कोई डिफेक्टेड हो तो उसके और ज़्यादा कम थे प्राइस, जैसे कि इन्होंने मुझे इसके प्राइस बताए थे। कमाई बना माला मासरा
जैसा कि लाला ने 2700 में फाइनल किया था, लेकिन मैंने 2300 में फाइनल किया था कि मुझे 2300 में दोनों चाहिए और बहुत अच्छी पीस मुझे मिल गया था। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, बहुत सी चीजों की आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जाते जाते जो स्टॉल्स मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उनको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ स्किन केयर की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी और स्किन केयर की बहुत सारी यहाँ पे रेंज आपको नज़र आ रही है। उसके अलावा भी कॉस्मेटिक का बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, जहाँ पे गोल गप्पे, दही बड़े और इस तरह की चीज़ें, पानी की बॉटल्स, जो आप लोगों के सामने मज़े मज़े की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें थी यहाँ पे। वो सारी कार पार्किंग आपको नज़र आ रही है। ठंडा ठंडा गन्ने का शरबत भी यहाँ पे मिल रहा था। और एक दफ़ा दोबारा पूरा व्यू आप देख सकते हैं, वो यहाँ से जो है एग्ज़िट का रास्ता है बाहर आने का और जाने का। और यहाँ पर सारा जो है स्टॉल लगा हुआ है। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी। कराची में एक संडे बाज़ार और भी लगता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे गैर ज़रूरी लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बाज़ार का मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ पे आपको वही लोग नज़र आएंगे जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। चलिए जी, ये था मेरे संडे बाज़ार का विज़िट। अगर आपने वाकई इंजॉय किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।